कमेंटो और ए के सिंह। और आज फिर हम अपने बी लीव की तैयारी करेंगे, यानी कि बी लीव की तैयारी करेंगे। और बी लीव की तैयारी में हम क्या देख रहे थे, आज हमें देखना था फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, यानी क्वेश्चन आंसर्स देखने थे। आपको सारे टॉपिक करा दिए हैं और कहीं ना कहीं जो सारी चीज़ें हैं फर्स्ट चैप्टर में वो करवा दी गई हैं। दूसरी चीज़, आज जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा मुग़ल बादशाह सीढ़ियों से, यानी कि लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरकर उसकी मृत्यु हुई थी, उसका आंसर एक लड़की ने दिया है, यानी कि एक गर्ल्स ने दिया है। उसका नाम भी अभी हम डिस्प्ले करेंगे और उसकी एक तरह से मैं ये मानूंगा बहुत ही अच्छी बात है कि वो क्या कर रही है, साथ के साथ चीज़ों को कंप्लीट करती जा रही है अपनी, यानी कि जो उसे पढ़ाया जा रहा है, जो उसे समझाया जा रहा है, वो अपने साथ साथ, यानी कि यहाँ से उसने पढ़ा, थोड़ा भी पढ़ा, जितना भी पढ़ा, चाहे उसने 10 मिनट पढ़ा, वो अपने क्या है, साथ के साथ नोट्स बना रही है या साथ के साथ अपनी चीज़ें कवर करती जा रही है, जिससे उसे क्या फ़ायदा होगा आगे जाकर। जैसे ही वो क्या करेगी, बिलीव कंप्लीट करेगी, बिलीव कंप्लीट करने के बाद तुरंत ही उसे क्या होगा, लाइब्रेरी का एग्ज़ाम उसका क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम उसी क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, फिर आपका आगे के आज के यानी कि फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो चलिए उस, ठीक है, तो ये थी वो वीडियो, यानी कि पुस्तकालय के इतिहास वाली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा मुग़ल बादशाह जो है, यानी कि मुग़ल बादशाह के इतिहास में पढ़ा था हमने कि मुग़ल बादशाह आपका कौन सा है जो सीढ़ियों से गिरा था। इस लड़की ने बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दिया है, हुमायूं की मृत्यु लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। तो हुमायूं की मृत्यु क्या हुई थी, सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। और ये आपको पता होना चाहिए, हुमायूं जो था, जब क्या है, एक तरह से तख्त पे बैठा, राजपाट उसने संभाला, तो कहीं ना कहीं उसने क्या करा, एक तरह से 27 जनवरी को, ये याद होना चाहिए, 1556 में दिल्ली के किले। और लाइब्रेरी का नाम क्या था, आपको बताना चाहिए, दी पन्हा के शेर मंडल नामक लाइब्रेरी से, वो क्या करा, शेर मंडल नामक लाइब्रेरी से उसकी सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई थी। ये और इस लड़की के लिए एक तरह से क्लैपिंग होनी चाहिए, या फिर एक तरह से ये मान के चले इस लड़की ने क्या करा है, अपने बिलीव जो कर रही है, ये यानी कि बिलीव भी कर रही है, तो बिलीव कर रही है, तो ये साथ के साथ क्या कर रही है, साथ के साथ एक्स्ट्रा चीज़ को भी लेके चल रही है। जैसे मान के चलिए इसने बिलीव कर ली और कहीं गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट जॉब के 6 महीने 7 महीने में तैयारी करके से कहीं ना कहीं लगना है, तो उन 6 महीने 7 महीने में अगर ये तैयारी के साथ साथ एक्स्ट्रा जॉब करेगी और वहाँ पर इसका इंटरव्यू हुआ, इस तरह की चीज़ें पूछी गई, तो वहाँ पर इसे पता है, ये आपका क्या कर रही है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज इकट्ठा कर रही है, यानी कि इसे क्या कर रही है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज इकट्ठा कर रही है। और ये आपको पता होना चाहिए, एक लाइब्रेरियन को इंडिया में, खासकर इंडिया की बात कर रहा हूँ, एक लाइब्रेरियन को सभी विषयों का एक तरह से थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, जिससे क्या है, वो उसे पता हो। और ख़ासकर आप तो लाइब्रेरी के हो स्टूडेंट, तो लाइब्रेरी के आपको पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस लड़के के लिए जो ये क्या कर रही है, अच्छी तैयारी कर रही है, अच्छा पढ़ रही है, अपना क्या नाम बिलीव कंप्लीट करेगी। और देखो मैं आपको ये कहता हूँ, आप कम से कम ये मान के चलिए 55 से 60% पहली तो क्राइटेरिया रखिए अपने लाने की। दूसरी क्राइटेरिया, आपको कंप्यूटर हो गया, बीटेक हो गया, आपका बिलीव हो गया, जैसे हम, मैं टीचिंग में हूँ, बिलीव में हूँ, तो हमारे जो फील्ड हैं, हमारे फील्ड में आप जितना आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, यानी कि आप लाइब्रेरी में प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या होगा, निखार आएगा। जैसे कहते हैं ना कि एक तरह से आप क्या करो, चीज़ परांगत हो जाओगे। अब एक व्यक्ति, आपने सुना होगा कि हथौड़ा ही तो मारना है, यानी कि दीवार में हथौड़ा ही तो मारना है, या फिर एक इसमें लोहे पर हथौड़ा ही तो मारना है,
एक जो प्रैक्टिस जिसे करी हुई है उसे पता है कि कितने फोर्स हथौड़ा मारना है। एक व्यक्ति जो टीचिंग करा हुआ है उसे पता है कि कितना बोर्ड पे कितनी एंट्री होनी है। एक जो क्या है जो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करा हुआ लाइब्रेरियन है उसे पता है कि लाइब्रेरी में कौन कौन सी एंट्री होनी है, सीक्रेट नंबर क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो सही बात है, कहीं ना कहीं अच्छी तैयारी करी है, कंग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप अपने बिलीव में कहीं ना कहीं सही पथ पर चल रहे हो। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। आपको मैं सिर्फ एक ही सलाह देना चाहूँगा कि आप क्या कर रहे हो, अगर यानी कि बिलीव के साथ साथ आप अपना एक घंटा निकालिए और सारे लाइब्रेरी यानी कि लाइब्रेरी एग्ज़ाम के PYQ याद करने शुरू कर दीजिए। सिर्फ एक घंटा, यानी कि एक घंटे में आपको क्या करना है, PYQ की बुक ले लो, कोई सी बुक ले लो जिसमें सारे पेपर हो, ऑल ओवर इंडिया की लाइब्रेरी के सारे पेपर होंगे, उसकी एक बुक ले लो। और सारे पेपर यानी कि आपको क्या करना है, जब तक आप क्या कर रहे हो बिलीव का फर्स्ट सेमेस्टर दे रहे हो तब तक आपको सारी बुक कर देनी है 2 बार कंप्लीट, यानी कि एक एक घंटा पढ़ोगे तो तब तक आपकी सारी कंप्लीट हो जाएगी। दिसंबर में फर्स्ट सेमेस्टर होता है, फिर जब सेकंड सेमेस्टर होगा आपका, सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या करना है, उस बुक में क्वेश्चनों को यानी कि अपने क्या करो, फोटो खींचो, आधा घंटा उस क्वेश्चन को यानी कि अगर उसके नीचे क्वेश्चन है तो उसे मिटाने यानी कि काला काला कर दो और फिर उसके प्रैक्टिस करो, या फिर आपको जो यानी कि हमारे चैनल पर जो प्रैक्टिस कराएगी वहाँ से प्रैक्टिस करो। उससे क्या होगा, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। आपको क्या होगा, जैसे क्वेश्चन देखोगे आपको ऑप्शन देखने की याद नहीं होगी, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आप क्या होगा यानी कि बिलीव का रिजल्ट आएगा, कहीं ना कहीं आपकी लाइब्रेरी की वैकेंसी निकलती है तो आप तुरंत ही भर दोगे, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखना। इस यानी कि फिर से मैं एक बार इनको बधाई देना चाहूँगा, ये क्या कर रहे हैं, अच्छे अपने पथ पर चल रहे हैं, शिक्षा को के पथ पर चल रहे हैं, लाइब्रेरी को अच्छे ले तरह से लेके चल रहे हैं, जो चीज़ें एक्स्ट्रा बताई गई हैं उन्हें भी समझ रहे हैं। तो ये होता है यानी कि ये स्टूडेंट हैं कहीं ना कहीं जो क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा यानी कि आपने पढ़ा भाई, जैसे कहते हैं ना कि पढ़ा और क्या नाम, अरे छोड़ यार देख लेंगे बाद में, अब देख लेंगे, यानी कि हम या कोई भी टीचर है आपको क्यों कहता है एक बार, यानी कि जिससे आप क्या करो कि अच्छा इसका आंसर बताओ, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। कोई भी टीचर हो इस अगर जो इस तरह कहता है, वो आपको ये कह रहा है भैया एक बार खुद जाके देख ले, यानी कि अगर आप क्या करोगे, जब आप क्या करते, जैसे मुझे कुछ चीज़ नहीं आती, मान लो मैं कुछ चीज़ नहीं, आपने पूछा कि भाई इसका आंसर क्या है, तो क्या हुआ मुझे नहीं आता, मैं ढूंढूंगा 10 किताब ढूंढूंगा, 20 किताब ढूंढूंगा, इंटरनेट छानूंगा, तो क्या हुआ जब आप क्या करोगे खुद मेहनत करोगे तो उस चीज़ को आपको पता चलेगा, आप वो ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। इसलिए कहते हैं ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दीन पनाह के शेरा मंडल नामक लाइब्रेरी से उसकी गिरकर मृत्यु हो गई थी, और आपको ये पता होना चाहिए हुमायूं की गिरकर सीढ़ियों से मृत्यु हो गई थी, ये आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, तो इनको देते हैं हम गुड, वेरी गुड। ठीक है, अगली बार और अच्छा आंसर देंगे, यानी कि एक तरह से इनके लिए पहले बार में वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब अपने चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। तो क्वेश्चन आंसर्स में आपके जो यानी कि बहुत प्रश्न हैं राशि टंडन में और इग्नू में, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है, जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं या फिर एक तरह से क्वेश्चन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन एक तरह से बैठता है यानी, और हाँ एक तरह से एक इनका यानी कि बच्चों का एक कमेंट आ रहा है, देखो यूट्यूब ने क्या करा है, यूट्यूब ने आप सभी का जो मोबाइल है, देखो आपका नेट है कम, यानी कि वो पहले से ही पॉलिसी थी यूट्यूब की, जब आप क्या करते हो नेट यूज़ कर रहे हो, आपका कम नेट है, कम नेट खर्चो, तो यानी कि जब कम नेट खर्च होगा तो उसमें क्या करता है वो 144 उस पर कर देता है। अब आपको क्या करता है वो धुंधली दिखाई देगी स्क्रीन, वैसे तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, वो धुंधली दिखाई देती है। अब आपको क्या करना है उसे, या तो 720 पे कर दो, 720 पे करके कर लो, या फिर HD यानी HD वाले उसमें करके आप लेके चलो तो आपको सही तरह दिखाई देगा। वैसे मैंने आपका पेन का साइज़ बढ़ा लिया है थोड़ा सा, आपको ये सेटिंग आप कर लीजिए, आपको क्लियर बोर्ड दिखाई देगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन यानी कि आपका
RRRLF राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है क्या है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कोलकाता में स्थित है, यानी कि कोलकाता में स्थित है, ठीक है, कोलकाता में स्थित है तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका आ जाता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में जो आपके रंगनाथन जी ने की अध्यक्षता में शैक्षणिक पुस्तकालय की समिति बनाई थी वो कब बनाई थी, यानी कि दूसरा क्वेश्चन आता है कि यूजीसी ने एस आर रंगनाथन की अध्यक्षता में शैक्षणिक पुस्तकालय, अब शैक्षणिक पुस्तकालय कौन से होते हैं, एकेडमिक लाइब्रेरी जो होती हैं जैसे कॉलेज की लाइब्रेरी, आपकी स्कूल की लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, उनकी बात है, लाइब्रेरी किस लिए समिति, ठीक है, तो ये आपको पता नहीं चाहिए, ये कब बनाई थी, ये आपका आ जाता है 1957, ठीक है 1957, और 1956 में क्या आया था कमेंट सेक्शन में बताना, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, 1957 में जो चीज़ आई थी वो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के से रिलेटेड थी, बताइए अब 1956 में क्या आया था, और 1956 में कोई सा, यानी कि आपका लाइब्रेरी का एक एक्ट था जो कहीं ना कहीं लाइब्रेरी का एक्ट मान लीजिए, लाइब्रेरी से रिलेटेड मान लीजिए, जो आपका एक तरह से रीजनरेट हुआ था, यानी कि री एक्ट के तौर पर माना जाता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, वो आपको अभी करवाया जाएगा, उसकी चिंता मत करिए, तब आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, वैसे जनरल में पूछ रहा हूँ। फिर आता है आपका जैसे कि आपकी इम्पीरियल, यानी कि आपका इम्पीरियल सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना कब हुई, कलकत्ता में, पहले क्या था इसका, यानी कि तीसरा क्वेश्चन आ जाता है इम्पीरियल लाइब्रेरी की स्थापना, यानी कि अंग्रेज़ों के टाइम पे हुई थी, अंग्रेजों के टाइम पे हुई थी तो आपको ये पता होना चाहिए कब हुई थी, 1891 में। और आपका आपसे एक और क्वेश्चन, यानी कि ALA की आपका ALA की स्थापना कब हुई थी, 18 के आगे क्या डेट है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो आपसे जब अभी आप बी लीव कर रहे हो जैसे, तो बी लीव के बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा ALA SLA IL A और एक आपका दे देगा ये, ठीक है, अब आपसे यहाँ सन दे देगा कि 1933 1930 1900 इस तरह से आपको दे देगा, अब आपका क्या है 1909 किसका है, ठीक है, तो इस तरह से आपको दे देगा, तो आपको क्या करना है, मैच करना है, तो ये आपको पता होने चाहिए तभी आप मैच कर पाओगे, तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। फिर आता है जो आपका चीनी यात्री फुआन सेन आया था और कहीं ना कहीं नागार्जुन विद्यापीठ के पुस्तकालय में उसका वर्णन आपको देखने को मिलता है, ये आपको बताया था। अब आपका नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का जो नाम है, यानी कि नालंदा पुस्तकालय, जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसके पुस्तकालय का, यानी कि पुस्तकालय का नाम पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर फोर नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का नाम क्या है, तो नाम क्या है उसका, धर्मगंज था, ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कहा है, पीएम मोदी जी ने क्या कहा है, दोबारा बनाने की तैयारी में जुट गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आता है कि आक्रमण कब किया, और यानी खिलजी ने पुस्तकालय को आक्रमण कब किया, ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि 1205 में किया था, ये मैक्सिमम क्वेश्चन एक बार दो बार देखने के लिए मिला है, वैसे ये क्वेश्चन आपके इसमें नहीं आपको देखने के लिए, धर्मगंज वाला क्वेश्चन आपका ज़्यादातर लाइब्रेरी क्वेश्चन में आ जाता है, पर कहना नालंदा विश्वविद्यालय का क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, ये आपको अभी मैं मोटे मोटे यानी कि तौर पर जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो करवा रहा हूँ।
फिर आपका आ जाता है जो अकबर के टाइम पे, यानी कि अकबर के समय पुस्तकालय के अलग अलग एक तरह से महकमे थी, जिसके निर्देशकों को क्या कहा जाता था, निर्देशकों को क्या कहा जाता था अकबर के टाइम पर, यानी कि निर्देशकों को कहा जाता था नाजिम। ये आपके पता होना चाहिए किसके टाइम पे, अकबर के टाइम पर, अकबर, ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका लाइब्रेरी में पूछा जा सकता है, आपके लाइब्रेरियन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब आपसे एक क्वेश्चन आपका आ जाता है, एसीटिक सोसाइटी यानी एसीटिक सोसाइटी लाइब्रेरी कहाँ पर है, कहाँ पर है एसीटिक, जहाँ पर क्या है, आपके क्वेश्चन जैसे बहुत सारी क्या है यूनिवर्सिटी में क्या है आपके छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे, एसीटिक सोसाइटी लाइब्रेरी कहाँ पर खोली थी, तो क्या था मुंबई। अच्छा आपसे आपको पता होगा मुंबई और मुंबई की कहानी तो पता ही होगी सबको, दहेज में मिला था मुंबई, तो ये भी आपको कहानी पता होगी, ठीक है। चलिए अब आता है लाइब्रेरी को, यानी कि लाइब्रेरी को लैटिन भाषा में क्या कहता है, रोम में क्या कहा जाता है, आपको सिर्फ लैटिन भाषा का याद करना है क्योंकि वही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, लाइब्रेरी का लैटिन भाषा के शाब्दिक अर्थ में आपसे पूछा जाता है, लैटिन भाषा में लाइब्रेरी यानी कि हाउस ऑफ बुक्स कहा जाता है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन हो गए, चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है पुस्तकालय के, आपके आ जाता है पुस्तकालय के चार मुख्य तत्व, तो पुस्तकालय के चार मुख्य तत्व क्या है, आपसे कोई क्वेश्चन लगे भैया, आपसे क्वेश्चन पूछने लगे कि पुस्तकालय के मुख्य चार तत्व क्या है, तो मुख्य तत्वों में आपके आते हैं चार तत्व, आपको पता होना चाहिए तत्व आपको करवाए थे, तो सबसे पहला आपका क्या आता है, प्रालेख या पुस्तकालय का भंडार, यानी कि प्रलेखों या पुस्तकों का भंडार, भंडार। दूसरा क्या है आपका, एक उपयुक्त भवन होना चाहिए जहाँ पर आपके योग्य कर्मचारी होने चाहिए, ठीक है, और पाठ करण, ठीक है, ये होना चाहिए, तो ये आपको पता होना चाहिए पुस्तकालय के आपका इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे। अब आते हैं हम जो क्या है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, यानी कि बीलीव में क्वेश्चन आते हैं, इसे थोड़ा ध्यान से समझना कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जाता है, मान लीजिए आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, अब लेके चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन लेके चलते हैं लॉन्ग। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी की परिभाषा, परिभाषा नहीं आता सॉरी, परिभाषा की जगह लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी का अर्थ अर्थ बताते हुए आपका पूछते हैं, अर्थ बताते हुए क्वेश्चन आपका पूछा जाता है बिलीव के पेपर में, अर्थ बताइए ए तथा लाइब्रेरी पुस्तकालय के इतिहास का वर्णन करिए, लिखा मिलेगा आपको, या इतिहास का, इतिहास के बारे में लिखिए, इतिहास के बारे में लिखिए, ये मिल जाएगा इस तरह से, यानी कि दोनों तरह से मिल सकता है, इतिहास के बारे में लिखिए, लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपका आता है, दो क्वेश्चन आते हैं इसमें से, यानी कि फर्स्ट चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी यानी कि बी लीव में आप ए टू जेड कहीं भी पुस्तकालय का आपको क्या करना है, ए टू जेड कोई भी क्वेश्चन आए,
सबसे पहले क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन आपको मिल गया। अब क्वेश्चन लिखना कैसे है, सबसे बड़ी बात आती है, बच्चों को क्वेश्चन लिखने का ही नहीं पता। ये है आंसर, सबसे पहली बात है, ये आपका क्या है, ये आपकी कॉपी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन यानी कि उत्तर नंबर वन, हिंदी में लिख रहे हो हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में लिख रहे हो इंग्लिश में। सबसे पहली बात आपको क्या करना है, पहला सीरियल वाइज चलना है, पहला दूसरा तीसरा। अगर मान लीजिए आपके पेपर में 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने हैं, आप पहले एक बार डिसाइड कर लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, आगे पीछे मत करना। पार्ट में क्वेश्चन है सेक्शन वन ए सेक्शन, ठीक है। सेक्शन वन में आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, पहला क्वेश्चन जगह यानी कि आप अगर आपके यानी कि वैसे तो आप आजकल कॉपी बी कॉपी मिलती नहीं है, आप क्या करो पन्ना डिसाइड कर लो इतने क्वेश्चन उसमें मुझे ये क्वेश्चन करना है, इतने में ये क्वेश्चन करना है, इतने में क्वेश्चन करना है, इतने में क्वेश्चन करना है। पहले में 3 क्वेश्चन करने हैं आपको, मान लीजिए बड़े क्वेश्चन है जैसे राशि टंडन में 20-20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो 20-20 नंबर के 8 क्वेश्चन यानी 8 पेज लेके चल रहे हो आप, तो 8, 8, 16, 16 और 8, 24, ठीक है। तो आपने क्या करा, 8-8 पन्नों में यानी कि 8 पन्ने ले लिए, 8 पन्ने मतलब यानी कि फन 1, 2 पेज नंबर यानी कि पेज 8 ले लिए, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सेक्शन वन लिख दिया है, सबसे पहले आपको देना है इंट्रोडक्शन, लाइब्रेरी क्या है यानी कि यहाँ से शुरू करना है, इस तरह से शुरू करना है जैसे आप मान के चलिए व्यक्ति के जीवन में, जैसे शुरू कर रहे हैं हम इंट्रोडक्शन, कि व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है और व्यक्ति का जीवन शिक्षा के यानी कि शिक्षा के कारण ही निखरता है। जीवन में हर समय परिवर्तन आता है और कहीं ना कहीं परिवर्तन का कारण शिक्षा को माना जाता है। आज के युग में शिक्षा के साथ साथ कहीं ना कहीं शिक्षा के को उपयोगी बनाने के लिए लाइब्रेरी का बहुत योगदान रहा होता जा रहा है। लाइब्रेरी हमारे जीवन में एक तरह से सपोर्ट का काम करती है, शिक्षा के साथ साथ हमें यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपको यानी कि एक तरह से ब्रीफली 5-6 लाइन का आपको क्या कर देना है, इंट्रोडक्शन दे देना है। इंट्रोडक्शन में ये मत लिख देना कहानी, जैसे आपको क्या करना है, जैसे शुरुआत में क्या कर दिया आपने, उसने बता दिया कि लाइब्रेरी क्या कर रहे हैं हमारे जीवन में निखार ला रही है, संचार में क्या कर रही है, आपके लिए उपयोगी है। फिर आपको क्या करना है, अब आना है सेकंड पॉइंट पर, यहाँ पर क्या कर दिया, इंट्रो दे दिया आपने यानी कि परिचय दे दिया। परिचय कितना दे दिया आपने, यानी कि हाफ पेज का परिचय दे दिया, ठीक है। हाफ पेज का परिचय दे दिया। अब उसके बाद जो हाफ पेज बचे उसमें लिखो, सबसे पहले लिखो लाइब्रेरी का अर्थ। लाइब्रेरी का क्या है, लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी वह है जहाँ किताबें यानी किताबों का घर क्या कहलाती है। लाइब्रेरी क्या करती है, पुस्तकालय यानी कि जहाँ पर पुस्तकों का आदान प्रदान होता है। ये सब चीज़ें जो भाई, क्योंकि लाइब्रेरी कोई यानी कि अर्थ नहीं है, लाइब्रेरी का हमने क्या पढ़ा था, लाइब्रेरी का कोई अर्थ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने ओन अर्थ में लिख सकते हो। अब अर्थ और परिभाषा की कहानी पता है आपको, जो हिंदी का स्टूडेंट होगा अर्थ और परिभाषा की कहानी आपको पता होनी चाहिए। देखो आप बहुत सारे बच्चों को अर्थ और परिभाषा की कहानी ही नहीं पता होगा, तो आप आज समझ लीजिए परिभाषा का मतलब होता है आपकी, मेरी या किसी ने भी अपने वर्ल्ड में जो कहती है बात, वो होती है परिभाषा यानी कि परिभाषा। अर्थ मतलब होता है यूनिवर्सल, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे कि आपसे पूछा है कि लाइब्रेरी का अर्थ बताइए, पहली बात तो अर्थ बताइए पूछेगा, लाइब्रेरी का कोई अर्थ है ही नहीं। आपसे पूछ लिया कंप्यूटर का अर्थ बताइए, तो आपको लिखना है कंप्यूटर का एक ही अर्थ होगा जो सब जगह, कंप्यूटरिज्म क्या है, मशीन यानी कंप्यूटरिज्म मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी है, तो वो है। अब परिभाषा क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, गांधी जी के अनुसार, आपके यानी कि सोहन के अनुसार, मोहन के अनुसार, जिसमें क्या अनुसार हो, तो वो क्या होती है, परिभाषा। दोनों चीज़ों में आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको इस तरह से। अब यहाँ पर क्या लिख दिया आपने, आपने दे दिया अर्थ, फिर लिख दो आप लाइब्रेरी की परिभाषा। परिभाषा में क्या याद करना है,
रंगनाथन जी की परिभाषा बताई थी ना मैंने आपको, रंगनाथन जी की परिभाषा लिख दो सिंपल आसान शब्दों में, बिल्कुल रंगनाथन जी की परिभाषा है आपको बताइए। वो क्या कहते थे, पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था है और जिसमें यानी कि जिसका कार्य पुस्तकों को संग्रह करना, देखभाल करना, रखरखाव करना और पाठकों की आवश्यकताओं का क्या करना है यानी कि आवश्यकताओं के अनुसार उपलब्ध कराना, और जो अनियमित पाठक है उसे क्या करना है नियमित करना देना। यही तो बात है, ये सिंपल सी परिभाषा लिख दी। तो यहाँ तक आपका क्या हो गया, एक पन्ना भर गया। अब दूसरी कहानी, जो स्टूडेंट हमारे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं वो हमसे बिलीव के यानी कि जो क्या कर रहे हैं प्रीवियस ईयर चाहता है तो प्रीवियस ईयर ले सकता है। तो प्रीवियस ईयर स्टूडेंट यानी कि यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर मात्र 100 रुपये मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, यानी कि यहाँ तक आ गई। अब आपका आ जाता है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि भैया उसका इतिहास बताइए। ठीक है, अब हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे लाइब्रेरी यानी कि लाइब्रेरी का निम्न लिखित लिख दीजिए निम्न इतिहास है। आपको क्या लिखना है, पहले करना लिख देने पांचों पॉइंट, जो पांचों पॉइंट आपको बताए थे वो पांचों पॉइंट लिख देने हैं। ठीक है, पांचों पॉइंट क्या बताए थे, आधुनिक क्या है, आधुनिक वातावरण में यानी कि एक तरह से आपको क्या इतिहास में क्या बताया था, सॉरी इतिहास बोल रहा हूँ, इतिहास में आपको क्या बताया था, प्राचीन काल में, मध्यकाल में, मुगल काल में, ब्रिटिश काल में और वर्तमान काल में, ये लिख दिया आपने। अब आप लेके चलोगे, उसके बाद आपका लेके चलोगे पांच लाइन में आप सिमट के, यानी कि नंबर वन प्राचीन, यानी कि प्राचीन में लिख दिया। अब प्राचीन में आपको क्या करना है, प्राचीन में उसमें भी चार पांच लाइन लिखनी है, फिर आपको लिखने हैं पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, पॉइंट फोर, चार पॉइंट लिखने हैं। ऐसे ही आपको मध्यकाल में क्या करना है, चार पांच लाइन लिखनी है, फिर उसे पॉइंटों में लिख देना है। फिर आपका मुगल में चार पांच लाइन लिखनी है, पॉइंटों में लिखना है। तो इस तरह से आपको क्या हो गया, आपके भर जाएंगे, यानी कि आप पॉइंटों में लिखते चल जाओगे, पॉइंटों में लिखते चल जाओगे, तो मैक्सिमम आप पहुंच जाओगे सात नंबर, यानी सात पेज तक पहुंच जाओगे। पहुंच गए, अब आता है आठ नंबर पेज, पेज नंबर आठ यानी एट नंबर पेज। एट नंबर पेज पे क्या करना है आपको, फिर दोबारा क्या करना है यहाँ पर उसका सारा का सारा ब्रीफ में आपको, जब तक आठ नंबर पेज के आधे तक पहुँचते हैं यानी साढ़े सात पेज हो जाते हैं कंप्लीट, आठ नंबर पेज पे आपको लिखना है निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष में क्या लिखना है, निष्कर्ष में वो सारे के सारे उसका क्या है निष्कर्ष लिख देना है, यानी कि ये पुस्तकालय क्या है, पुस्तकालय का इतिहास क्या है, इतिहास मेरा है, ये सब कुछ रहा है और ये सब कुछ। तो ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है, आपको कोई ना कोई जो भी कॉपी चेक करने वाला है जब उसे सारी चीज़ें मिलेगी 15 नंबर 18 नंबर यानी 17 नंबर तक तो देगा ही देगा, और उसके ऊपर है 18 नंबर तक। तो यानी कि पहला क्वेश्चन ये था आपका, ये जो आपको बताया गया ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि अर्थ बताओ और उसके इतिहास के बारे में बताओ। दूसरा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, लिखिए दूसरा क्वेश्चन आपका आ जाता है पुस्तकालय का अर्थ बताइए क्वेश्चन नंबर टू, यानी कि उसका क्या करना, लाइब्रेरी का अर्थ बताइए, और दूसरा क्या है पुस्तकालय की भूमिका के बारे में, यानी पुस्तकालय की भूमिका का वर्णन कीजिए। लिखा मिलेगा आपको अर्थ बताइए तथा या पुस्तकालय का यानी कि लाइब्रेरी की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्या कहेंगे, वर्णन कीजिए। अब वर्णन में क्या है आपको पता ही है, आधुनिक में आ गया, शिक्षा के क्षेत्र में आ गया, उद्योग व्यापार में आ गया, शोध में आ गया, और क्या था मनोरंजन में आ गया, संस्कृति आ गया, एक व्यक्ति के दैनिक जीवन में आ गया, सूचना में आ गया, तो सारे के सारे आपको ये लिख देने हैं। लिखने का प्रोसेस क्या है, पहले क्या करना है परिचय देना है। ठीक है, थोड़ा सा परिचय दे दिया, फिर क्या है अर्थ बताना है, फिर क्या है आपको परिभाषा देनी है, फिर आपको क्या करना है सारा का सारा
अब बच्चे क्या कहेंगे, बच्चे क्या कहेंगे, जी यहाँ पर जी हमारा पन्ने नहीं भर रहे। पन्ने भरने वाली कहानी है, पन्ने भरने वाली भी कहानी बताता हूँ मैं। मान लीजिए ये पन्ने हैं आपके, ये आपकी लाइन है, ठीक है, राशि टंडन वालों के लिए या फिर इग्नू वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इग्नू वालों के तो पन्ने भरी जाएंगे, ठीक है, और बहुत सारे यूनिवर्सिटी के यानी कि जो आंसर शीट है वो छोटी आती है, ठीक है। राशि टंडन की बात है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है नंबर वन, जब आप लिखोगे निम्नलिखित लिखकर, यानी कि पुस्तकालय की भूमिका निम्नलिखित है। अब यहाँ पर क्या लिखना है, पहला क्या था आपका आधुनिक, आधुनिक वातावरण में पुस्तकालय, ये लिख दिया आपने, ये कर दिया आपने, इस तरह लिख दिया, बिल्कुल ऐसे कैसे लिखना है जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका आ गया, ठीक है। यहाँ से लिखना शुरू करो, यहाँ तक लिखो, यहाँ तक लिखो, यहाँ तक लिखो, इस इधर कुछ नहीं आना, ठीक है, मतलब इतने एरिया में, इतने एरिया में आपको लिखना है, यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक लिखना। तो इस तरह से क्या कर रहा है, आधुनिक का आधा पन्ना भर गया। फिर क्या करा आपने इसमें, क्या अगला क्या था, शोध का है शायद से, शोध शिक्षा का क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालय, फिर इस उसमें भी इस तरह करो। अब आ जाओ शिक्षा के क्षेत्र में, पॉइंट नंबर टू डाला आपने, यानी कि आधा पेज भरा, आधे पेज में आपने क्या करा शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में पुस्तकालय, फिर क्या करा दो डॉट लगाए, यहाँ से लिखना शुरू करा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ, इस तरह लिख दिया भाई। इस तरह से बढ़ते बढ़ते आप क्या पहुँच जाओगे, सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे, हो गए कंप्लीट, आठों के आठों पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब आती है जी निष्कर्ष की बात, निष्कर्ष आपको पूरी लाइन में लिखना है, यानी कि निष्कर्ष लिखकर पूरा का पूरा उसे क्या करना है, कंप्लीट करना है, कर दिया। अब निष्कर्ष आपने कर दिया भैया, आपके आ गए 17 नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन लिखना है, ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दो क्वेश्चन आपको आते ही हैं, और मैं आपका राशि टंडन का पेपर निकाल लेता हूँ, आपको वो भी कराऊँगा। तो इस तरह से धीरे धीरे जैसे ही आपकी ये बुक कंप्लीट होगी, आपके राशि टंडन के पेपर कंप्लीट हो करवाऊँगा, आपको सारे के सारे लाइब्रेरी के पेपर बताऊँगा कि किस तरह से आपको सारे के सारे हल करने हैं, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन एक बार आपको उसमें दोहरा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे भाई, लेसन के साथ साथ आपके क्वेश्चन दोहराए गए, वहाँ से दोहराए गए, तो आपको क्या होगा, बिल्कुल आप क्या हो जाओगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी आपका दिसंबर में फर्स्ट सेमेस्टर है मान लीजिए, और दिसंबर में फर्स्ट सेमेस्टर है, दिसंबर में जिस टाइम आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, आजकल एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाते हैं, उस टाइम पे आपको क्या करना है, मुश्किल से 5 दिन अपना क्या करना है, एक कॉपी उठा लाओ 10 रुपये वाली, रफ रजिस्टर, पेन आपका जो पे, जिस पेन से आप क्या करो, जिस पेन से, ध्यान से सुन लो, जिस पेन से आपको क्या करना है, परीक्षा देनी, यानी कि एग्ज़ाम में बैठोगे, जो पेन बिल्कुल लेके बैठोगे, एक पेन फोकस कर लो, एक पेन को पकड़ लो, उसी पेन से लिखना की आदत डाल लो, उससे क्या होगा, आपके हाथ में जो क्या है ग्रिप है वो बन जाएगी, उसको क्या कर लो, लिख दो सारा, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन रोज़ लिख के देख लो, 5-6 दिन में आपका क्या हो जाएगा, जो हाथ वात में दर्द होता है, बच्चों के हाथ में तो दर्द होने लगता है क्योंकि बहुत टाइम से लिखते नहीं है, तो क्या है हाथ वात में जो दर्द होगा वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से क्वेश्चन लिखना है, ये क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए, अपने क्वेश्चनों को अपना लिख के देख लीजिए, और अपने आपके पास जो बुक है उसमें, बुक आपके पास नहीं है टेंशन मत लो, कोई सी भी क्या है, राशि टंडन उठा लो, वर्धमान उठा लो, उत्तराखंड उठा लो, आपका वैसे भी राशि टंडन की साइट में, राशि टंडन पर जाओगे ना आप, राशि टंडन में SLM में चल जाओ, यानी कि स्टडी मटेरियल में चल जाओ, वहाँ से आप क्या करो बिलीव का स्टडी मटेरियल निकाल लो, आपके फ़ोन में मिल जाएगा। अब तो आपको 2 GB पर डे मिलता है, 2 GB पर डे नहीं है तो बहुत सारे, आप किसी भी तरह के, जिसके पास 5G इंटरनेट हो या फिर किसी के पास अनलिमिटेड इंटरनेट हो, सारी की सारी 10 की 10 किताब डाउनलोड करवा के अपने फ़ोन में ले लो, ठीक है, टेंशन ही नहीं है, किताब आ रही है नहीं आ रही, जो कुछ है आप अपना कंप्लीट करो, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियो के लिए आपको क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है, जिससे आपका सारा का सारा कोर्स कंप्लीट हो जाए, आपकी तैयारी हो जाए, आपकी चीज़ों को कंप्लीट होते चले जाए, ठीक है बच्चों, थैंक यू।